तो फैमिली, तो क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो के अंदर भाई साहब हम आपको गाजीपुर में एक ऐसे स्कूल पर लेके आए हैं जहां पर डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग तमाम चीजें जो कि सिखाई जाएंगी। जो यहां के मेन ऑनर हैं उनसे बात भी करेंगे और आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। क्या इस स्कूल का नाम है, आप लोग कब आ सकते हैं, इसका उद्घाटन कब है, इस वीडियो के अंदर हम पूरा आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ का जो ऑफिस है वो भी हम दिखाएंगे, किस तरीके से तैयारी चल रही है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल मैं अगर आपको पीछे की साइड दिखाऊं तो यहाँ पे आपको तमाम जो है कि फुटेज देख रहे होंगे, जो बहुत सारे जो मूवी बने हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो, आनंद, लगान, थ्री इडियट, तमाम जो मूवी हैं वो आप देख सकते हो, उनका जो कि फोटोज भी, फोटो लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि मेन जो यहाँ के ऑनर है उनका भी लगा हुआ है और जो तमाम इनके जो टीम के मेंबर हैं उनका भी लगा हुआ है, वो चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे। और पीछे की साइड में अगर मैं दोस्तों दिखाऊं तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है, तो मैं सोचा कि आप लोग को दिखा देते हैं, क्योंकि भाई साहब गाजीपुर में पहली बार एक्टिंग का जो है कि स्कूल खुल रहा है, जो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, ज्यादातर लोग मुंबई जाते हैं कि वो चीज मैं फील्ड में काम करके सीख सकूं। तो दोस्तों गाजीपुर के जितने भी लोग हैं और आसपास के जो भी गांव के लोग हैं और तो वो लोग आके यहाँ पर समझ सकते हैं। इसका उद्घाटन का भी डेट हम जानेंगे कि कब है, इस वीडियो के अंदर कम्प्लीट जानकारी देने वाले हैं। इधर की साइड में दिखाऊं तो देखिये यहाँ पर अभी चेयर और लग रहे हैं सब धीरे धीरे। और चलिए मैं जो यहाँ के ऑनर है मैं उनसे बात करता हूँ और जानने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इधर भी देख लीजिए, कुछ शीशा उसा भी लग रहा है और हम इसका पोस्टर भी आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलिए जो यहाँ के ऑनर है हम उनसे बात करते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों हमारे बीच में आ चुके हैं भैया जी जो यहाँ के ऑनर है, हालांकि गाजीपुर में पहचान के मोहताज नहीं है, जो कि इनका काफी सारे जो कि प्रोग्राम भी चलते हैं, फेसबुक पे डेली लाइव आते हैं इनके साथ, जो कि तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ बड़े लाइव में आते हैं, इन्होंने जो कि वो लोग अभी गाना गाते हैं उनको ये फील्ड में लाने का काम किया है गाजीपुर में। हम बात करते हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, और आप सभी लोग जो देख रहे हैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनूप के चैनल में। अनूप, किस तरीके का यहां पे गाजीपुर में स्कूल खुल रहा है और इसका नाम क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो बता दूं कि अपना ही नाम बता देता हूं, मैं हूं संजीव वरुण कुमार। और बात यूँ थी कि मुंबई में काफ़ी वक्त गुजारा हमने, और मुंबई में जो भी लोग जिनको एक्टिंग के फील्ड में करियर बनाना होता है या वो सिंगर बनना चाहते हैं या ऐसे किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाना होता है तो सभी मुंबई जाते हैं। तो प्लान हो रहा था मुंबई में अभिनय अकेडमी में काफ़ी टाइम रहा, वहाँ पर हमने देखा, चीज़ें सीखी, तो हुआ कि गाजीपुर में क्यों ना ऐसा कुछ लेकर आए जहाँ एक ही छत के नीचे वो सारी चीज़ सिखाई जाए, यानी एक्टिंग भी सिखाई जाए आपको, आपको इंस्ट्रूमेंट की तालीम दी जाए, आपको सिंगिंग सिखाई जाए और डांस भी सीख पाएँ। तो ये सारा कुछ एक छत के नीचे गाजीपुर में होने वाला है, ये शुरुआत हमने की। और अभिनय अकेडमी की ये ब्रांच है जो मुंबई में ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। तो इंस्ट्रूमेंट आपने क्या क्या रखे हैं उसमें, देखा जाए तो अभी गाजीपुर, हालांकि आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ ला रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास ढोलक की भी तालीम दी जाएगी, तबला होगा, गिटार होगा, हारमोनियम होगा, ये सारी चीज़ें जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, यानी अगर कोई हमारे पास क्वेरी आती है कि नहीं हमें ये भी सीखना है, तो फिर उस हुनर के मास्टर किसी टीचर को लेकर आएंगे और वो सिखाएंगे आपको। अभी के टाइम में जो है कि क्या क्या सिखा रहे हैं आप, सब चीज़ें बता दें। अभी सब कुछ, यहाँ सबसे पहला फोकस एक्टिंग पर है हमारा, देन डांसिंग पर करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल में जो हमने नाम बताया वो सारा कुछ, और सिंगिंग, खासतौर पर सिंगिंग में क्लासिकल पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। माया नायर है गाजीपुर में, अगर आपने जाना हो, लोग जानते हैं गाजीपुर में उन्हें, माया नायर मैम है जो सिंगिंग की यहाँ पे शिक्षा देंगे, और साथ ही साथ पंडित शिवम दुबे, बहुत बड़ा नाम है पंडित शिवम दुबे का, वो आपको क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पर सिखाएंगे। जी, सबसे पहले इसका बताइए उद्घाटन कब है? इसका उद्घाटन होने वाला है 17 जनवरी, यानी कि अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो परसों के दिन यानी बुधवार के दिन दोपहर के ठीक 1 बजे यहाँ पर उद्घाटन शुरू होगा। लेकिन जो लोग देख रहे हैं मैं आमंत्रित करूंगा कि आप रात के 9 बजे तक यहाँ पर मैं स्वागत करूंगा, तो आप आ सकते हैं। इसका लोकेशन एक बार बता दीजिए, एग्जैक्ट लोकेशन। ये मोहल्ला है नौकापुरा, पुरानी गली, अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं और फुल्लनपुर की तरफ आप बढ़ते हैं तो वहाँ पर सब्जियों के बाजार लगते हैं ना, छोटा सा एक मार्केट है, बस वहाँ से राइट वाली, लेफ्ट वाली गली, वहाँ से आप घूमेंगे तो सामने ही। मैं आपको आगे का सीन दिखा दूंगा, जहाँ से आपकी एंट्री होती है वही मैं आपको दिखा दूंगा, और इधर की साइड लंका भी पड़ता है तो आप यहाँ से भी आ सकते हो। और बाकी अगर यहाँ पर कोई ट्रायल भी आप देंगे या फिर कैसा रहेगा? बिल्कुल, केवल हम एक क्लास आपको ट्रायल पे देंगे, एक क्लास होगा वो जो आप ट्रायल बेसिस पर आकर देख सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करिए। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गाजीपुर की प्रतिभाओं को कैसे एक उचित मंच दिया जाए, तो वहाँ पर वो क्लासेस चलेंगी और हम मुंबई तक आपका सपोर्ट करेंगे, यानी अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगा, कहाँ ऑडिशंस होते हैं या कहाँ रुक सकते हैं वो सारा कुछ हम करने वाले हैं। लेकिन अभी फिल्मों का दायरा थोड़ा बढ़ा है, यानी शूटिंग केवल मुंबई में नहीं हो रही है, अब शूटिंग ऑल ओवर इंडिया हो रही है, लोकल लेवल पर, यानी अगर लखनऊ में, बनारस में या आसपास के जिलों में शूटिंग होती है तो कास्टिंग एजेंसी क्या करती है, वहाँ के लोकल बंदों को हायर करती है, यानी लोकल बंदों को वो चूज करते हैं एक्टिंग के लिए। तो आपके लिए अच्छा मौका है, बहुत फिल्में बन रही हैं यूपी के अंदर। अभी आपने जो कि मुंबई से भी काफ़ी साल आपने मुंबई में भी रहा है, तमाम जो कि चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, तो
तो यहाँ पे खोलने का आइडिया कहाँ से आया कि गाजीपुर के जो लोग हैं, जो गाजीपुर के जो स्टूडेंट हैं, वो सीखना चाह रहे हैं इस फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, सिंगिंग के फील्ड में, तो आपने इसको आइडिया कैसे ला के खोला, कहाँ से आइडिया? जब पिछले कुछ वक्त पहले जब मुंबई में था तो वहाँ पर मैंने देखा कि ढेर सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ढेर सारे गाजीपुर के स्टूडेंट जाकर और लाखों रुपये खर्च करते हैं, वहाँ हमने जब देखा, क्योंकि मैं था वहाँ। वहाँ आने के बाद तो ढाई ढाई लाख रुपये देते हैं महीने की फीस, कहीं कहीं पाँच पाँच लाख है, कहीं 7.5 लाख रुपये भी है। तो इतने पैसे मुंबई जाकर, ये केवल फीस की बात करना, और रहना और खाना वो अलग होता है, वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर जब आप घर से पैसे लेके आते हो। अगर आप काम कर रहे हो तो इट्स ओके, नहीं तो फिर आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो हमने यही सोचा कि गाजीपुर में क्यों ना ऐसे एक स्कूल की स्थापना की जाए और वो लोग गाजीपुर में ही कम खर्च में सीख पाए, उसके बाद वो मुंबई जाए, क्योंकि सीख के जाना बहुत ज़रूरी है। जी तो दोस्तों, मैं जितने भी यहाँ पे ऑडियंस मेरे इस चैनल पर देख रहे हैं, तो मैं इनसे एक ही अनुरोध करूँगा कि आप 17 तारीख को यहाँ पर आइए, 17 जनवरी को जो है कि भैया का उद्घाटन होने वाला है, तकरीबन 1 बजे का टाइम दिया, 1 बजे से लेके आप 9 बजे तक आ सकते हो, और यहाँ की जो भी जानकारी आप इनसे लीजिए, पूरा कम्प्लीट आपको बताएंगे, किस तरीके से सिखाया जाएगा, क्या फीस रहने वाला है, वो हर एक चीज़ उनको आपको बताया जाएगा। चलिए, बाकी दोस्तों मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।